रानी चौकी थाना प्रभारी प्रीति पांडे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान में सर्वधर्म जन सेवा मंच समिति द्वारा सराहनीय सहयोग प्रदान किया। कटनी जिले में तेजी से बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने एवं युवाओं को नशा मुक्त रखने हेतु महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण कटनी जिले में नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान कटनी जिलाध्यक्ष महोदय श्री सुनील जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज केड़िया एवं नगर पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला जी के मार्गदर्शन में शासन के निर्देश अनुसार कटनी खिरहनी चौकी थाना प्रभारी प्रीति पांडे एवं कटनी जिले की अग्रणी सामाजिक संस्था सर्वधर्म जन सेवा मंच समिति की प्रांतीय अध्यक्ष एवं समाज सेवी अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी के मार्गदर्शन में एवं खिरहनी चौकी थाना प्रभारी प्रीति पांडे के नेतृत्व में वेंकट वार्ड स्थित निवासरत लोगों के बीच नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम माँ सरस्वती एवं महात्मा गांधी जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने उपस्थित महिलाओं व बेटियों सहित सभी उपस्थित लोगों को नशा व अवैध कारोबार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी ओर सर्वधर्म जन सेवा मंच समिति की ग्राम प्रभारी श्रीमती रामरति कौल ने इस नशा करने हेतु अपने अंदर के दर्द को बताते हुए कहा कि साहब, मेरे पति इतनी ज्यादा दारू पीते थे, दिन भर जो भी कमाते थे वह भी सब उड़ा देते थे और खाली हाथ घर पहुंचते थे। बच्चों को भी कुछ लेकर नहीं आते। कभी कभी तो हम और बच्चे सब भूखे प्यासे ही सो जाते थे। हमने उनकी शराब छुड़ाने हेतु बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं छूटी। फिर बहुत कुछ सोच विचार कर हमने यह ठान लिया कि हम भी अपने पति के साथ कलारी जाएंगे और जब सुबह हमने यह जिद कर ली तो काफी झगड़ा हुआ, अतः इनका मन बदल गया और उस दिन उन्होंने कसम खा ली कि वह शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसी दिन से लेकर आज तक हमारे पति ने दारू तो हाथ नहीं लगाई। हम सब मिलकर रहते हैं और बहुत खुशी हुई। मुख्य अतिथि ने उनके साहस और हिम्मत की दाद दी और पुष्प गुच्छ पहनाकर मंच पर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा अपने औजस्व गीतों एवं विचारों को व्यक्त करते हुए महिलाओं को गंगा, जमुना, सरस्वती, गायत्री, माँ सीता, माँ काली, माँ दुर्गा, भवानी की उपाधि देते हुए उन्हें नशा मुक्त करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन वरिष्ठ व्याख्याता राजेंद्र असाटी एवं समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी दोनों ने मिलकर किया। इस दौरान माँ गायत्री ज्ञान योग परिषद के आकाश तिवारी की टीम द्वारा नशा मुक्त नुक्कड़ नाटक भी शानदार प्रस्तुति दी गई। मुक्त जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं व बेटियों सहित सभी जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त कटनी TI अजय बहादुर सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में CSP शशिकांत शुक्ला, महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा, कटनी खिरहनी चौकी थाना प्रभारी प्रीति पांडे, भाजपा नेता रवि खरे, समाज सेवी अजय सरावगी, निर्वर्तमान पार्षद डब्बू रजक, नेहा मौर्य, समाज सेवी अमित निषादराज, सर्वधर्म जन सेवा मंच समिति ग्राम प्रभारी श्रीमती रामरति कौल, अधिवक्ता संदीप जायसवाल, सुखराम सेन, माँ गायत्री परिवार राकेश निषाद सहित सभी क्षेत्रीय लोगों की गरिमा में उपस्थिति में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मीडिया से बता रहे समस्त हमारा पुलिस प्रशासन, हम सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और एक बहुत अच्छी अलग हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से जगाई जा रही है कि आप सभी देख रहे हैं, आपके दर्द को देखकर ही ये मुहिम चलाई जा रही है कि आपके बच्चे नशा ना करें, आपके बच्चे बीड़ी ना पिए, गुटखा ना खाएं, रात्रि ना खाएं और जो ये 4-5 का ग्रुप बन के कहीं ब्रिज के नीचे है, कहीं नदी कोई पेड़ की छाव है, गांव का कोई टोला वहाँ बैठे जो ताश पत्ते खेलते हैं, उसमें बाजी लगाते हैं, ये चीजें बंद कर दें। इसकी जगह आपको अगर खेलने का शौक है, हम आपको बता रहे हैं आप खेलिए, उसमें आपको प्राइज भी मिलेगा, आपका दिमाग भी दौड़ेगा और आपको काम भी मिलेगा। वो सबसे अच्छा है आपका शतरंज। क्या अच्छा है उसमें आपको ये पता चलेगा कि घोड़ा कितने घर चलता है, वजीर कितने घर चलता है, राजा कब मारा जाता है, बादशाह कब बनता है, ये चीजें आपको पता चलेगी।
खेलना चाहिए। खेलेंगे ना, क्रिकेट खेलिए ना, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। क्या बनेगा? क्रिकेट खेलिए। हमारा हॉकी, हॉकी जो बहुत पुराना खेल है हमारा, हमारे जो कहना चाहिए बुजुर्ग हैं घर में, आपके जो दादा दादी नाना नानी फूफा है, कभी उनके पास बैठिए आप, जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा कि दादाजी पुराना सबसे खेल कौन सा था, जब आप हमारे जैसे थे उस समय कौन सा खेल खेला जाता था, वो क्या खेल खेलते थे, वो चीजें पूछिए। क्योंकि ये जो समय परिवर्तन हो रहा है, वही पुराने खेल वापस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा बनना है, और जैसा कि आपका जो हमारा मुख्य अभियान है, नशा मुक्त अभियान, कैसा है? नशा मुक्त अभियान। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये संकल्प लेंगे कि हम अपने घर जाकर अपने पड़ोस को, अपने मम्मी पापा को, क्योंकि पुरुषों के साथ साथ बराबर की हद तक महिलाएं भी हैं, वो भी नशा करती हैं, वो भी इसमें चरस गांजा में लिप्त हैं, और वो भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर समाज को बर्बाद करने में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा मातृशक्ति से करवट निवेदन है कि आप तो वो दुर्गा हो, वो कभी हो, जिन्होंने हमें सदमार्ग पर चलाने के लिए एक जन्म दिया है। आप माँ हो, जीवन दायिनी हो, आप गंगा हो, आप यमुना हो, आप कावेरी हो, आप साक्षात यमुना हो। आप तो वो कर सकते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। आपसे तो रावण जैसे जिसके 10 सर थे, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि एक नारी को छू सके, फिर एक सिर वाला कैसे किसी नारी को छू सकता है? आप में हो सकती है, सिर्फ आपको थोड़ा सा चिंतन करना है, आपको मनन करना है कि मैं खुद क्या हूँ। क्योंकि घड़े में पानी तभी तक आता है जब तक वो भरता नहीं है, वो भरा हेलो घड़े में पानी तब तक ही भरा जाएगा जब तक कि वो भरा नहीं जाएगा। अगर वो भर गया तो फिर क्या होगा? वो पानी नीचे बहने लगता कि नहीं, कि भरा रहता उसी में, बहने लगता है ना। अच्छा, इसी के साथ हम आपको एक गीत सुनाएंगे कि जब तक हमारे एसपी साहब, आज का जो हमारा मुख्य आयोजन है, कार्यक्रम है, जिसकी इतनी भव्य तैयारी इतने अच्छे से की जा रही है कि आप सभी बच्चे जिनको सुनने के लिए तैयार हैं, जिनको देखने के लिए यहाँ पे बड़े उत्साह से बैठे हैं, बस कुछ ही पलों में वो हमारे बीच में होंगे, फिर हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तब तक अच्छा लगे तो जो मैं एक गीत गाऊंगी, क्या आप मेरा साथ दोगे? हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जोर से बोलो। ऐसे नहीं, ऐसा लगे कि पड़ोस वाला भी उछल के इधर आ जाए। थोड़े जोर से बोलो, आप हमारा साथ दोगे? आप हमारा साथ दोगे? बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो गीत प्रारंभ करें, आप सहयोग करेंगे ना, पर गीत प्रारंभ हो इसके पहले हम दो पंक्ति आप सभी ने माता पिता को समर्पित करते हैं। कैनन न्यूज़ के लिए कटनी से उम्मीद कुशवाहा की रिपोर्ट।